गुजरात न्यूज एंड मीडिया की टीम आज पहुंची अहमदाबाद की सिटी सिविल और सेक्शन कोर्ट और लिया मुआयना। उभरता गुजरात न्यूज एंड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण कंसारा, असिस्टेंट एडिटर इन चीफ, डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। हम आज यहां सिटी सिविल कंपाउंड में अहमदाबाद के भद्रा में आए हुए हैं। आज जो प्रश्न है कि 1 फरवरी से पूरे गुजरात में स्कूलें, कॉलेजें और रेस्टोरेंट और सिनेमा ग्रुप खुल गए हैं, मगर अभी तक फिजिकल जो केस चलाना चाहिए वो हाईकोर्ट ने अभी मना कर दिया है। तो हम जानना चाहेंगे वकीलों के थ्रू कि उनका क्या कहना है, आइए मिलते हैं। हाँ सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम के एन ठाकुर है, 1984 से मैं यहाँ वकालत करता हूँ। सर, अभी जो परिस्थिति हुई है कोरोना के समय से कि सब लोग अभी 1 फरवरी से सब कुछ चालू हो गया है, जैसे सिनेमा गृह है, फिर स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, रेस्टोरेंट है, मगर अभी तक हाईकोर्ट ने मना ही करके रखी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाईकोर्ट ने जो 31 मार्च 2021 तक जो ये स्टे एक्शन किया है उसके लिए सारे वकीलों में, सारी जनता में ये चर्चा हो रही है। जब सारे मॉल, होटल्स, स्कूल और सब्जी मंडियां भी चालू है तो क्यों बंद रखा है? सही मायने में तो इसे चालू करना ही अभी उचित लगता है। बंद करने का कोई व्याजबी कारण नहीं लग रहा है। नहीं, आपका क्या कहना है कि क्या 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 ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपको चालू करना है? चालू करने में अभी इस बार को 31 मार्च जब आएगा तो 1 साल पूरा हो जाएगा। यहाँ जूनियर से लेके सीनियर यहाँ वकीलात करते हैं। हाँ। सबकी एक जैसी वकीलात नहीं होती है। 40-50% वकीलों में अभी घर कैसे चलाना वो मेन प्रॉब्लम है। अभी नहीं चालू करने की वजह सभी लोग यही पूछ रहे हैं, क्यों चालू नहीं कर रहे? चालू करना इसलिए चाहिए कि अगर ये और बंद रहेगा तो जो सीनियर वकील हैं उनको भी तो प्रॉब्लम होने वाली है। किसी ने कोई ऑफिस खरीदी हो, किसी ने मकान खरीदा हो, किसी ने गाड़ी खरीदी हो, उसका हफ्ता तो भरना पड़ता है। जब कोर्ट में केस ही नहीं चलेगा तो उसकी इनकम कैसे होगी? जब इनकम ही नहीं होगी, सरकार तो बोलते हैं कि जो लोन के हफ्ते हैं उसमें ब्याज जो होगा तो उसमें तो माफी मिल जाएगी। माफी मिलने का कहते हैं लेकिन जिसने लोन लिए है और बैंक के तरफ से नोटिस आती है उसमें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। सरकार कहती है ऐसा, बैंक नहीं करती है। आपका नाम? मेरा नाम भविनेश भावसर है, 2008 से सिटी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। जो आपका क्या कहना है सर? बस मेरा यही कहना है कि हाईकोर्ट किस हिसाब से कोई खुलासा नहीं कर रही है। जब भी वकील जाते हैं उनके पास रजूआत करने तो कोई खुलासा, जो पीआईएल की थी तो उसमें क्या जॉब, पीआईएल में उन्होंने ऐसा किया आप कुछ भी करो हमको कुछ लेना देना नहीं, कोर्ट तो अभी हम खोलेंगे अपने हिसाब से ही खोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई खुलासा नहीं देती है कि क्यों कोर्ट नहीं खुल रही है। कोर्ट नहीं खुलने का कोई रीजन ही नहीं दे रही अभी। हाई कोर्ट में सब लोग गए, कल भी प्रतिनिधि गए थे, अगले भी गए थे, बहुत बार रजूआत की है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट या रूलर कोर्ट, मेट्रो कोर्ट किसी की रजूआत ध्यान पर ले नहीं रही है। ये मतलब बहुत ही पेचीदा मामला हो गया है कि हाई कोर्ट क्यों नहीं खोलना चाह रही है। कितने वकील हैं जो अभी किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं वही जानते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जो सुना है कि काफ़ी वकील जो एडवोकेट लोग हैं वो भी गुजर गए कोरोना की वजह से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना के हिसाब से जो वकील गुजरे हैं वो कोरोना के हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं गुजरे हैं, वो लोग वो डिप्रेशन में गुजर गए। कोर्ट 10 महीने से खुली नहीं है, वो घर बैठे रहे, कोई काम नहीं हुआ है, कोई मानसिक उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोरोना और दोनों साथ में ही वो गुजर गए, अभी नाम लगा रहे कोरोना वाले। तो बात यही है कि जो अभी आगे तक भी कोर्ट नहीं खुलेगी तो कितने जूनियर लोग हैं, कितने सीनियर लोग हैं, उनको दिक्कत आने वाली है, क्यों नहीं खोल रहे हैं उसका खुलासा अभी तक हाईकोर्ट नहीं दे रही है। अभी हाईकोर्ट में जो रजूआत हुई थी कि भाई कोई एडवोकेट कोई अलग बिजनेस कर रहा है, कोई दूसरे बिजनेस में जा रहा है या नौकरी पर लग गए हैं, और कितने लोगों ने तो सनद वापस दे दी, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ मतलब मामला सामने नहीं आया कि जो वकील लोग हैं उन्होंने सनद वापस दे दी है, कुछ न्यूज़पेपर में आया था, मतलब वो तो न्यूज़पेपर में लगा है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वकील अभी भी फेस कर रहे हैं, वकील डटकर सामना कर रहे हैं, जैसे भी हो कोर्ट चालू करो, उनकी बस यही मांग है कोर्ट जल्दी से जल्दी चालू हो, वही उनकी दरखास्त है। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हर्षद डी त्रिवेदी है, मैं यहाँ 2014 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है कि भाई आज कोर्टें ऐसे तो चालू है, जज और मगर ऑनलाइन है ना। हाँ, फिजिकल जो नहीं, जजेस सब आ रहे हैं। हाँ। और जजेस घर जाके क्या क्वारंटाइन हो जाते? हाँ। उनको भी घर में बाहर तो निकलते होंगे ना, उसको पेंडेमिक का डर नहीं है? नहीं, रैलियां तो निकलती है ना। हाँ, निकलती है, सभी निकलता है, और जजेस भी घर पे जाके बैठ थोड़ी रहते हैं, तो इधर केस चलाने में क्या दिक्कत है? सही बात। अभी आपको ही पूछता हूँ कि आपने भी मास्क पहना है, मैंने भी पहना है। हाँ। नेता लोग तो पहनते नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है?
वो नेता लोग जाने, अभी तो क्या है कायदा प्रजा के लिए, हमारे प्रजा के लिए चला जाता है, नहीं है हमारे लिए तो 1,000 रुपया चला जाता है उनके लिए, अभी एक भी FIR भी नहीं हुई ना कुछ किसी से। हमने ऐसा एक पुलिस वाले से जानकारी मिली है कि उनको टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट देने की कोई इसमें टारगेट देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टारगेट देते हैं तो पुलिस वाला क्या करेगा कि उसका टारगेट पूरा करने के लिए, उसका टारगेट पूरा करने के लिए किसी को भी पकड़ के छोटी सी मामूली भी गलती होगी तो उसका पैसा वसूल करेंगे। ये टारगेट, इसमें टारगेट थोड़ी गुनहगारी का टारगेट थोड़ी दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कभी सभी में टारगेट दिया जाता है। सर मैं आपसे वापस आऊंगा, अगर ये हाईकोर्ट का हुक्म की वजह से जो कोर्टें चालू नहीं होगी, तो मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि कोई आंदोलन भी करने वाला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी सही मायने में तो ऐसा है, जब हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक स्टे दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में जाना वकीलों में भी अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी की बात चल रही है कि हाईकोर्ट के विरुद्ध में जाना या नहीं जाना। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा बोल रहे हैं अगर ये लास्ट चांस देख लेते हैं, अगर 31 मार्च तक अगर कुछ फैसला नहीं आता है तो जो कहते हैं ना कि ना छुटके नहीं, मगर तो उन्होंने तो अभी 12-13 तारीख का कुछ लिमिटेशन दे दिया है कि वो जाने वाले हैं 12-13 तारीख को। लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट, ये करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो सभी वकीलों को यूनाइट करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर आपका क्या कहना है? हाँ सर, जल्द से जल्द कोर्ट शुरू हो जाए इसके लिए हम हाई कोर्ट से सिफारिश कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम जिगर, मैं 2010 से प्रैक्टिस करता हूँ। हर जूनियर की तकलीफ बहुत ज्यादा है, अगर हाई कोर्ट जो थोड़ा भी जूनियरों के ऊपर बनाव रखे तो क्या है कि सबकी आवक और इनकम और घर अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है सर, आपका परिचय दीजिए। मैं जगत चौकसी, सेक्रेटरी अहमदाबाद बार एसोसिएशन। आप बार एसोसिएशन में हो जी? सर आपकी बार एसोसिएशन ने भी जो प्रस्ताव रखा होगा कि सिटी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट और रूरल कोर्ट चालू हो जाए, मगर हो नहीं रही है और काफ़ी वकीलों की तकलीफ भी है मगर हाईकोर्ट सुन नहीं रही है, ऐसा कुछ देखा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कल भी हमने मतलब अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा और सूरत की जो बार एसोसिएशन है उनकी कॉमन मीटिंग हुई थी कल भी एक चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखा हुआ है कि भी हमने आपको बहुत बार रजूआत की लेकिन आप कोई टाइम नहीं दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो अगर 11 तारीख तक अगर कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देते हैं आप, अगर या कोई डेट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसके बाद हम जो भी हमको करना है वो हम करेंगे, उसमें शायद वकील है। हाँ। अभी इनको रोकना मुमकिन नहीं होगा, अब तक उन्होंने बहुत सहन कर लिया। आप जैसे ये देख रहे हो ये गेट, यहाँ सब स्टाफ बाहर जा रहा है, स्टाफ अंदर भी आ रहा है बराबर, लेकिन उनको कोरोना नहीं हो रहा है, उसी स्टाफ के साथ जजेस भी काम कर रहे हैं। अभी तो सिनेमा गृह वगैरह चालू हो जाएंगे ना, तो उसमें डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, जैसे मैं बाजू में बैठा रहूंगा तो फिर मेरे को कोरोना लगेगा नहीं। बात है कि जितने लोग तो 2 महीने से चल रहे हैं, जज भी इंसान है, वकील भी इंसान है, खाली उनको ही होने वाला ऐसा नहीं, हम भी रिस्क तो रही ले रहे ना, और अभी रस्सी भी आ गई, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब जैसे चालू हो गया तो कोर्ट चालू करनी चाहिए। नहीं, वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है? जो अरे वैक्सीन आएगी तो देंगे, जिसको जरूरत होगी वो लेंगे, लेकिन अभी जैसे सब लॉकडाउन में छूट छाट दी गई है तो यहाँ भी खोलना चाहिए, बंद रखने का कोई कारण अभी हमको नहीं पता नहीं। मुझे समाचार के माध्यम से आज पता चला है कि बड़ौदा में एक सफाई कर्मचारी था, वैक्सीन लेने के बाद 2-3 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो अगर रीजन उसका रिपोर्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है। नहीं सर, जो वहाँ के लोगों ने तो ऐसा बोला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम तो वही बात है, यही बात है, क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम अभी कैसे कमेंट कर सकते हैं, तो वो तो अभी उनका प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ जैसे अभी देखो आप इतने पहले भी काफी लोगों को 400 से 500 लोगों को आड़ असर हुई है, लेकिन वो तो रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई थी। अभी जैसे आज देखो गुजरात में कोई केस आ नहीं रहा, एक्टिव केस आ नहीं रहा है, अभी टोटल अभी आप देखे आज का ही अखबार 97% अभी रिकवरी हो गए, पूरे गुजरात की अगर बात करें तो अभी खाली 42 लोग वेंटिलेटर पे है, बाकी ऐसा भी कोरोना का कोई हाव रहा नहीं है, तो खाली ये कोर्ट चालू करने की कोई रीजन नहीं, क्यों नहीं कर रहे वो उनको पता नहीं चल रहा। वैक्सीन नेता लोग क्यों नहीं ले रहे हैं और तो पब्लिक के ऊपर क्यों है? वो अभी मैंने भी नहीं लिए तो भी मेरे नंबर भी आया आप बताएंगे। नेता लोग एक देखना चाहते हैं कि ये वैक्सीन सरकार के या नहीं, अगर सरकार को तो लेंगे, जब आपने मौका दिया तो मुझे ऐसा कहना है, अभी
वैक्सीन एक्टिव रूप से अप्लाई नहीं किया है और आज के न्यूज में चैनल में न्यूज़पेपर में भी ऐसा आया है कि 97% रिकवरी है। जब वैक्सीन के बिना ही 97% रिकवरी हो तो कोर्ट क्यों बंद है? और दूसरी बात ये कि अभी भी पिछले समय में थोड़ी जाइए तो बिहार में इलेक्शन हुआ, अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है छल्ले 2 महीने उपरांत से कितनी भीड़ है वहाँ, किसी ने मास्क नहीं लगाया है। अगर वहाँ पे अगर ये कोरोना नहीं होता हो तो ये मास्क का पहनने का मतलब क्या है? यहाँ तो मास्क किसके लिए पहनते कि 1000 रुपया दंड ना हो। वस्तु ऐसी है कि मुझे लगता है कि जो पुलिस ने तो सबसे ज्यादा जो दंड वसूले है वो ट्रैफिक वगैरह से नहीं वसूला है, मगर सबसे ज्यादा मास्क से वसूला हुआ है। वो आप फिगर भी देख सकते हैं। हमारे मित्र ने भी आपसे कहा कि ये ऊपर से उनको जैसे टारगेट की बात है वो बिल्कुल सही बात है, उनको टारगेट दिया जाता है पुलिस स्टेशन वाइज टारगेट दिया जाता है कि इतना दंड करना ही करना है और वो तो हो जाता है, उसके बाद में पब्लिक को मालूम है वो क्या करती है पुलिस। आई एम सॉरी टू से अबाउट पुलिस, टारगेट पहले पूरा कर लेती है फिर उनका क्या, तो इसलिए भी पब्लिक को नहीं। अभी तो जो लोग रोड पे तो जाते हैं वो तो बात बराबर है, मगर ऑफिस के अंदर या कोई भी दुकान में जाकर वो अभी सीए के ऑफिस में जाकर कॉर्पोरेशन वाले फोटो मारते हैं और फिर डन करते हैं, इज इट प्रॉपर? हाँ, क्या ये जरूरी है कि जिसने दुकान पे गया हो उसको सांस लेने के लिए? बीच में एक न्यूज़पेपर नहीं, वो अकेला था। सुनिए बीच में एक डॉक्टर साहब का ऐसा आया था, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे, उनको घबराहट हो रही थी, उन्होंने थोड़ा उतारा, उनका फोटो पड़ा, उनको तो दंड किया। वेदर इट्स प्रॉपर? अगर मैं भी ये लगाता हूँ तो मुझे भी घबराहट होती है, तो थोड़ी देर के बाद मुझे निकाल देना पड़ता है, और उसी टाइम पे किसी ने मेरा फोटो पा लिया तो क्या 1000 रुपए मुझे देना पड़ेगा? इट्स नॉट प्रॉपर। जहाँ तक ये मास्क का कायदा है इसमें भी जो पदाधिकारी हैं उच्च अधिकारी उनको सोचना चाहिए और रिलैक्सेशन देना चाहिए, ये मेरी उनसे आपके माध्यम से विनती है। ओके, तो ये थे अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट के जो एडवोकेट लोग, जिनकी बात हमने सुनी और हम सरकार से विनती करेंगे कि उनकी जो डिमांड है उसके लिए ध्यान दें। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डीएस मौर्य है और मैं मेंबर ऑफ सिटी सिविल कोर्ट का मेंबर हूं और 2007 से यहां प्रैक्टिस करता हूं। सर अभी जो कोरोना की वजह से सबसे सिटी सिविल कोर्ट और रूरल कोर्ट से दीजिए। मेरा नाम कौशिक मकवाना है और मैं तो हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इतना कहना चाहता हूं कि सर प्लीज कोर्ट खोलिए ताकि सब लोगों को यहाँ पे काम मिले और सबका घर चल सके। अभी कोरोना की वजह से जो कोर्ट बंद हुई है उसके लिए यहाँ पे एडवोकेट को तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा तो क्लर्क भाइयों को तकलीफ होती है, क्योंकि एडवोकेट कभी कुछ एडवोकेट ऐसे भी है कि जिन्होंने वो क्लर्क भाइयों को पगार भी नहीं दिया और कुछ बच्चा भी नहीं दिया। इसकी वजह से सर प्लीज आप कोर्ट चालू कीजिए ताकि सबका घर चल सके, सबको काम मिले, वरना कितने लोगों ने तो यहाँ पे नौकरी करना भी बंद कर दिया है, एडवोकेट का काम भी बंद कर दिया है और कुछ वो रिक्शा चला रहा है, कुछ ऐसा काम शुरू कर दिया है, तो सर प्लीज आप कोर्ट शुरू कीजिए। सर आपका परिचय दीजिए। या माय नेम इज मुस्तफा, आई हैव बीन विद द मेट्रो कोर्ट, जस्ट आई वांटेड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अच्छा रहेगा क्योंकि पब्लिक को ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये ज्यादा तो देखने वाले हिंदी लोग हैं। जरा मैं ये बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि कोर्ट 31/3 और 2021 तक चालू नहीं होगी, तो जस्ट आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट सिंस द गुजरात गवर्नमेंट हैज परमिटेड टू फॉर द सेकंड फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 24th to 30th एट अहमदाबाद वेयर 1,10,000 स्पेक्टेटर विल गैदर, सो व्हाट वुड हैपन ऑफ दैट? एक लाख दस हजार जो स्पेक्टेटर एक हंगाते दर्शक आवाना हो तो कोरोना की पोजीशन शू रहे से? कोरोना के पोजीशन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि 2 महीने से जो नेता लोग घूम रहे हैं उनको नहीं हो रहा है अभी 97%। अरे हमारे हाईकोर्ट के जो जजिस साहब हैं उनको कोरोना हुआ है, क्या वो डायस पे बैठे थे उनको कोरोना हुआ है? उनको कोरोना जो हुआ है वो डायस पे बैठे थे और कोरोना हुआ है? ऐसा नहीं है। जब सब्जी मंडी चालू है, गवर्नमेंट ऑफिस चालू है, नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 9, 10, 11, 12 स्कूल्स आल्सो, तो व्हाई कोर्ट नॉट? कोर्ट क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है? इसमें लगता है कुछ लफड़ा लग रहा है हमारे को। बार काउंसिल अभी जैसा कुछ है ही नहीं अभी हाल में। बार काउंसिल दे आर नॉट गिविंग
दे आर नॉट एजिटेटिंग, दे आर एजिटेटिंग फॉर द पत्रकार जो जिसको अंदर कर दिया उसके लिए एजिटेशन हो रहा है, लेकिन व्हाई कोर्ट नॉट ओपन, व्हाई दे आर नॉट एजिटेटिंग फॉर दैट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, लोग पैसे वाले लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कोर्ट चालू हो कि पर अहमदाबाद के अंदर जो छोटी छोटी कोर्ट है उसके अंदर तो 80% वकील ऐसे हैं जो बेचारे रोज लाके रोज खाने वाले हैं। मगर हाईकोर्ट ने रिक्शा चला, हम कुछ नहीं करने वाले, आपको जो धंधा करना हो करिए। आई रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू रिविजिट ऑफ इट्स डिसीजन, सिंस द गवर्नमेंट इज अलाउड टू गैदर 1,10,000 स्पेक्टेटर, सो यू शुड स्टे ऑन दैट आल्सो, दैट शुड बी स्टेड, द गवर्नमेंट शुड बी रिफ्यूज टू गैदर 1,10,000 स्पेक्टेटर, जस्ट आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस ओनली। ओके थैंक यू सर, आपका सर आपका परिचय दीजिए। मारू नाम मुजीब कुरैशी है, एडवोकेट અહીંયા જ 25 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું, ને કોર્ટો જેમ બને તેમ વહેલા ચાલુ થવી જોઈએ, કારણ કે જુનિયર વકીલોને બી ઘણી તકલીફ પડે છે અને સિનિયર વકીલોને બી તકલીફ છે, એટલે એક્ચ્યુઅલી બેઠક રૂમ તો તકલીફો છે ભાઈ, અહીંયા ફિઝિકલ તકલીફો છે, ઓનલાઈન ઘણાને ભાવે છે, નથી ભાવતું, ત્યારબાદ પછી ફિઝિકલમાં જે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ છીએ આખી વાત અલગ હોય છે, કારણ કે વિડીયો કોલિંગમાં બરાબર આજ આવતું નથી, એના કારણે શું છે મિનિમમ એટલે ફિઝિકલ કોર્ટો તો ચાલુ થવી જ જોઈએ, અર્જન્ટ વહેલામાં વહેલી તકે, અને બેઠક રૂમ બી ચાલુ કરી દેવા જોઈએ, કારણ કે જયારે બધું ચાલુ થઈ ગયું છે તો પછી કોર્ટ ચાલુ કરવામાં શું વાંધો। ઓકે મેમ, આપનો પરિચય દીજે। મેરા નામ સુમન રાઠોડ છે, મેં સિટી સિવિલ કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરતી હું, और फैमिली कोर्ट की वजह से जो आज फैमिली कोर्ट में जितने भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसमें ज़्यादातर महिलाओं बच्चों वृद्धों ये सबके पड़े हुए हैं, बराबर उस सबका किसी का अगर बराबर निकाल नहीं आएगा तो कल को उनको भुखमरी भी आ सकती है, उनके मेरे माता पिता या कोई भी उनका सपोर्ट नहीं होता, जो भी होता है उनके पति की तरफ से जो भरण पोषण एलिमनी मिलती है वही उनके लिए जीवन निर्वाह होता है, तो वो जरूरी है कल को ये भुखमरी आने से वो अपने बच्चों के साथ लेकर उनको आत्महत्या ना करनी पड़े, इसके लिए जल्दी से जल्दी कोर्ट चालू हो यही मेरी खास विनती है। और जो ऑनलाइन जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं पा रहा है सभी लड़कियों के कोई भी अधिकतर वकीलों को, और ज़्यादातर फिजिकल में ज़्यादा ये लोग मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह से, और जल्दी ये निर्णय आ सकता है, इसलिए आप जरा सा मतलब चालू करने की करिए। सर आपका परिचय दीजिए। मैं मांग नाम पीड़ित पटेल से, हूँ एक प्रेसिडेंट हूँ। એટલે કે આપ એક્સપ્રેસિડેન્ટ? નહીં, અમદાવાદ બોર્ડ, અમદાવાદ। આજ છે લગભગ 2020 થી કોર્ટો બંધ કરવામાં આવી, લોકડાઉન કર્યા પછી જે વકીલોની પરિસ્થિતિ થઈ ને એવી કોઈની નહીં થઈ હોય, કારણ કે વકીલોને બધા વકીલો પૈસાદાર એવું નહીં માનવાનું, કારણ કે આર્થિક રીતે બીજા નબળાબી વકીલો રોજ રોજનું કમિંગ ખાતા હોય અને રોજ રોજની પ્રેક્ટિસ કરી ખાય। હાઈકોર્ટને તો કમ્પ્લીટલી બોલ દીધા કે આપકો જો ધંધા કરના હૈ નોકરી કરની હૈ કર દીજીએ, હમારા જો ડિસિઝન હૈ વો ફાઇનલ રહેગા। તો હાઈકોર્ટના જજોને આપણે કહેવું જોઈએ કે ભાઈ તમે પણ કોઈ પણ ધંધો તમારો પગાર બંધ કરવો જોઈએ, અને પગાર બંધ કરો તો ખબર પડે, તો ખબર પડે કે વકીલોની શું મુસીબત, એમને મહિનો થાય ને પગાર આવી જાય છે એટલે એમને કોઈ તકલીફ પડતી નથી, અને એમના પગારો બંધ કરવા જોઈએ તો રોડ એ બી તો ધંધો કરી શકે, એટલે હાઈકોર્ટના જજો કહેવાથી પબ્લિક એ લોકો બહાર નીકળતા નથી, એ અંદર ને બેસી રહે છે, ચેમ્બરમાં બેસી રહે છે, જો એમ થતો એમને કોરોના થાય છે, કોરોના કેમ થાય છે? નહીં, આ તો અભી તો સ્કૂલે બી ચાલુ હો ગઈ, અને હું તો કોઈ ગવર્નમેન્ટની દરેક ઓફિસો ચાલુ છે, કલેક્ટર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, કોર્પોરેશન ચાલુ, ઇલેક્શન બી ડિક્લેર હો ગયા ને, ઇલેક્શન બાકી, બિહારમાં બી ઇલેક્શન હતું, તો ચાલુ હોય તો કોર્ટો લોકોને બંધ રાખવાનો કોઈ સવાલ પેદા થતો નથી, એટલે તાકીદ આપી કોર્ટો ચાલુ થતી જાય, અને ગુજરાતની 4 જિલ્લા જેવાની બધી કોર્ટો ચાલુ થાય, અગર કોર્ટ અગર કોર્ટ ચાલુ નહીં હોગી તો આપ ક્યા સંદેશા દેના ચાહતે હૈ? કોર્ટ અગર ચાલુ નહીં હોતી તો આપણે ધરણાનો પ્રોગ્રામ જે કે બીજી કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ કરવાની આપણી તૈયારી, 12 તારીખ તો જો ધરણા પ્રદર્શન કા કાર્યક્રમ દેને કે લિયે વકીલ એસોસિએશન ને તો બોલ દિયા હૈ કે આપ ઉસકે સપોર્ટ મે ધરણા કાર્યક્રમ જે જે 12 વાગે બધું લે લીધે જાહેરાત કરીને અમે સપોર્ટ કરી। ઓકે થેન્ક યુ, લઈ લો। હા બોલીએ સર। મેં એક સપ્તાહ પહેલે યુએસએસ આયા, यूएसएस आया, मेरा बेटा है वहाँ डॉक्टर है, मिलने गया था, तो वहाँ क्या है कि बंद रहा था सब कुछ, लेकिन जब चालू हुआ तो जज एक कलाक सुबह में ज़्यादा देते हैं और एक कलाक शाम को जाते, दो दो कलाक ज़्यादा बैठते हैं, 9 बजे आ जाते हैं और शाम के साथ। ऑनलाइन चलता है कि फिजिकल चलता है? फिजिकल चलता है, फिजिकल ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, दोनों। सुबह 9 बजे आते हैं और सात को सात 7 बजे घर जाते हैं, बराबर वही पगार में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये कि यहाँ भी सरकार चालू कर दी? नहीं, जज को समझना है कि पब्लिक हैरान हो रही है, परेशान हो रही है
तो पब्लिक की परेशानी कैसे दूर की जाए, कम कैसे की जाए, दूर नहीं किया तो कम से कम कर तो कर सकते हैं। आके बैठ के चाय पी के चले जाते हैं बस, आजीवन के क्योंकि पगार आने वाला है, कोई रहता छुट्टी तो होने वाली नहीं उनकी। ऐसा क्यों हमारे देश में, हमसे अमेरिका आगे क्यों है, चाइना क्यों आगे है, दूसरे कंट्री, हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें काम करने की कमी है। सही, ओके, थैंक यू। अभी हम यहाँ सिटी सिविल कोर्ट के नोटरी साहब हैं, नोटरी साहब आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विमल सोलंकी है, मैं 2017 से नोटरी हूँ। क्या ये आपकी पोजीशन ये आ गई है कि आपको स्कूटर पे काम करना पड़ता है? ये पोजीशन तो कायम रहने वाली है लगता है, हमको ऐसा है, ये गवर्नमेंट नोटरी और वकीलों के बारे में कुछ सोचने वाली नहीं है। बराबर है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि वकीलों और नोटरी की वजह से ही कोरोना फैलता है, पूरे कोर्ट में असी ला सकते हैं। सिनेमा गृह वगैरह तो चालू हो गया है, सिनेमा गृह हो गए, सब शुरू हो गया है, सब्जी मंडी शुरू हो गया है, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि they are the spreader of corona, spreader. Only advocate is the spreader of corona. कोर्ट में आप देखोगे तो सरकारी वकील जा सकता है, पुलिस वाला जा सकता है, स्टाफ जा सकता है, इवन जजिस आ सकते हैं, लेकिन वकीलों को फिजिकली अलाउ नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वकीलों की वजह से ही कोरोना फैलता है, इसी के लिए अंदर कोई भी अंदर दरवाजे के अंदर भी नहीं आने दे। जिन लास्ट 9 महीने से वकीलों की और नोटरी की यही हालत आप देख रहे हो, हम पिछले 2 महीने से यहाँ स्कूटर पर पार्किंग में बैठ कर नोटरी कर रहे हैं, और जो भी पक्षकार आते बराबर उनको बोलते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ से भी आप नोटरी करवा सकते। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? ऐसे तो सरकार खुद जानती है, लेकिन सरकार क्या करेगी, लोगों का गुस्सा, अभी तो इलेक्शन भी शुरू हो गया, सब कुछ बढ़ेगा नहीं, तब सबको लॉलीपॉप दे देगी और पब्लिक शांत हो जाएगी और पब्लिक आगे का सब भूल के अपने आप रूटीन में आ जाएगी। इनका पहले से ही ऐसा ही व्यू है और पब्लिक समझती नहीं है, लेकिन अब समझ में आने वाली है। ओके, इन लोगों का ये दिक्कत वो लोगों ने देखी है, देखिए बराबर है, वो ज़्यादा दिन भी उनको इलेक्शन में दिखा दी। अच्छा, बराबर, पब्लिक ने इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर 12-13 तारीख को जो आपके एसोसिएशन ने बोला है कि हम धरने प्रदर्शन करेंगे, क्या वो सही है? एसोसिएशन वाले भी सब मिले हुए। अच्छा, अभी अभी उनको धरने की जरूरत क्या है? उनको मालूम है कि कोर्ट शुरू होने वाली है, कब शुरू होगी उनको मालूम है, ये लोग सब मिले हुए, उनको जब तारीख देगी ना उस पहले बार वो नाटक करेंगे। आपका कहने का मतलब कि 12-13 तारीख से कोर्ट शुरू हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, हमारे उद्योगदार एसोसिएशन वाले और बोलेंगे कि हमने धरना किया और सरकार पर दबाव बनाया, इसके लिए हमारी वजह से कोर्ट शुरू हुई, लेकिन कोर्ट तो शुरू करने वाला ही है, अब ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं है, समझो। लेकिन ये जो मेम्बर्स है ना, कमेटी मेम्बर्स और जो भी उद्योगदार, उन लोगों ने लास्ट टाइम पोस्ट किया है व्हाट्सएप पर, हमने आवेदन किया, इतने साल से ये लोग लिख ही रहे, कुछ करते नहीं है। उन लोगों को जब भी पूछा जाता है कि कब कोर्ट शुरू होगी, तो वही बताएं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, अगर कोर्ट शुरू हो जाएगी 10-15 दिन में, तो फिर आपको तब क्या है? ये जो हमको पैसे कहाँ से मिले, ये हमने 10 साल और 10 महीने गुजारे, उसका पैसा कौन देगा? सबको पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को, जो भी है सरकारी कर्मचारी, सबको पैसा मिल रहा है, पुलिस वाले पैसे, उनका पगार मिल रहा है, वकीलों को कौन पैसा देता है? बैंक ही नहीं देती। उन लोगों को बोला आपको लोन दे गए, कब लोन दी, क्या कर दी? नहीं, लोन पे ब्याज जो माफ होगी ना, ब्याज लोन देगा तब माफ हो गया ना, लोन किसने लिया? बार एसोसिएशन वाले लोन नहीं देते, बराबर, बार एसोसिएशन गुजरात में 5,000 का मुआवजा देकर अब बंद हो गया, तो 1 महीने के लिए 5,000 दिया, कौन करेगा, उनका घर कौन संभालेगा? ये लेडीज लोग है, भरण पोषण का केस चल रहा है, बराबर, वो वकील फैमिली कोर्ट पर जा रहे हैं, उनका भरण पोषण कौन करेगा, वो कैसे उनका गुजारा करेगा? आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे हाईकोर्ट को? सरकार सरकार नहीं, कोई मैसेज तो देंगे ना कि भी गाइडलाइन के हिसाब से चालू करिए कि ऐसा कुछ उनको करना होता तो कब से शुरू हो जाती, लेकिन उनका मनसा ही नहीं है। okay. उनको हाईकोर्ट जजिस तो चैम्बर में बैठे रहते, अंदर बैठे रहो, उनको कोरोना होता है, यहाँ के जजिस को भी जब भी शुरू करने की बात कर रहे हैं, 1-2 जजिस को कोरोना हो जाता है। अच्छा, बराबर, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत कर रहे हैं? वकीलों की यथा कोई सुनने वाला नहीं है। okay. और वकीलों की यथा इन लोगों ने पहले से ही तोड़ दी है। ओके, थैंक यू।
सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हम चले डीके फिल्म जैसे फिल्म में सपने सच होते हैं, यहाँ सपने सच होते हैं, यहाँ सपने सच होते हैं, यहाँ डीके फिल्म एंड एंटरटेनमेंट्स सपने सच होते हैं यहाँ। यह मेट्रोपोली मजिस्ट्रेट कोर्ट जो एक वक्त था जहाँ न्याय के लिए चहल पहल रहती थी, आज वहाँ पूरा सन्नाटा है, कानून खुद सो गया है। आज जो सब्जेक्ट है वो कोर्ट अभी तक चालू नहीं हुई है, क्योंकि सिनेमा गृह, रेस्टोरेंट, होटल्स और कॉलेज स्कूलें, प्राइवेट क्लासेस सब चालू हो गए हैं, मगर क्यों अभी तक फिजिकल ट्रायल देने के लिए या फिजिकल केस चलाने के लिए कोर्टें चालू नहीं हुई, उसके लिए हम आज मेट्रो कोर्ट अहमदाबाद में आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति है। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं बार काउंसिल गुजरात का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, और आपने जो ये सब्जेक्ट रखा, ये सब्जेक्ट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने और बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से बार बार ये अपील की है कि जब सारी चीज़ें चालू हो रही है, थिएटर चालू है, लग्न समारंभ चालू है, पार्टी की मीटिंग चालू है, और हर जगह उल्लास का वातावरण है, कोरोना का असर नहीवत होता जा रहा है, इसी समय में फिजिकल कोर्ट चालू करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 11 महीने से अधिक समय ये कोर्ट बंद है। हमारे एडवोकेट की भी ये दिक्कत है कि जब फाइंडिंग करने जाते हैं या हियरिंग करने जाते हैं तो लिंक चली जाती है। हमें ये अनुभव हुआ है कि कई बार हम साहब से कुछ बात कर रहे हो तो लिंक चली जाती है और साहब एक तरफा कहीं ऑर्डर कर देते हैं। हम जो हमारी बात करना चाहते हैं ये बात हम कोर्ट से कह नहीं सकते, और हजारों ऐसे लोग जो जामीन लायक गुनाह होता उसके अंदर भी आज जेल में सड़ रहे हैं। तो ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमारी उग्र मांग है, बार काउंसिल की मांग है, हमारे एसोसिएशन की मांग है कि तुरंत ही ये कोर्ट फिजिकल चालू होना चाहिए, और तबक्का वार नहीं। हमारी तो यह मांग है कि फुल फ्लेम 11 से 5 तक कोर्ट चालू होनी चाहिए। मगर सर, मैं आपको आपसे जानना चाहूँगा कि हाईकोर्ट में आपने PIL की थी, जो PIL में हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि भी अभी तक कोर्टें जो डिसीजन लेगी वही रहेगी, 31 मार्च तक कुछ भी नहीं होगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? PIL कोई व्यक्तिगत एडवोकेट है, उन्होंने की थी, बार काउंसिल ने PIL नहीं की थी। अच्छा, मगर जहाँ तक हमारा सवाल है, आज जो इश्यू आया है और हमारे पास जो माहिती आई है उसमें ऐसा है कि फ़रवरी तक फिजिकल कोर्ट चालू नहीं होगी, वो 4 महानगरों में। अभी सब 4 महानगरों की बात है। हम ये चाहते हैं 4 महानगरों में भी आज जो सरकार ने जो जाहिर किया है उसमें बसों तक मैरिज की परमिशन दे दी है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, ये जो करना चाहते हैं ये सब करने के लिए हर एडवोकेट तैयार है, मगर हमारी ये मांग है कि कुछ भी हो जाए कोर्ट चालू होनी चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से आपकी जो बातें हो रही है, मगर बार काउंसिल ने प्रेजेंटेशन जो किया है वो बराबर नहीं किया है, या क्या क्या लॉजिक है कि सरकार या हाईकोर्ट वो आपकी परिस्थिति जानना नहीं चाहते? देखो, सरकार का उन्होंने तो बोल दिया कि आपको जो धंधा करना है, नौकरी करना है, कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा प्रेस में आया है, मगर हमारे जो वो पिटीशन है तो प्रेस में उसमें कुछ आया नहीं है। हाँ, प्रेस में आया है वो सब बात सही होती है, वो प्रेस ने इंटरव्यू लिया और वो जो अरजदार उसने बताया। अच्छा, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात है कि सरकार की जितनी भी ट्रिब्यूनल है, मैं आपसे ये कहता हूँ, सरकार की जितनी ट्रिब्यूनल वो सब ट्रिब्यूनल चालू हो गई है और वहाँ फुल फ्लेम होती है, कलेक्टर ऑफिस सब कुछ सब चालू है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट है, वहाँ हर रोज के 400 या 500 केस आते हैं, यानी से 1500 पब्लिक आते हैं,
तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी चालू हो गई है, ये सबसे बड़ी बात है। सब जुडिशरी बात है वो चालू है, मगर हाईकोर्ट चालू नहीं करती, हम तो दिक्कत है और हम सख्त विरोध करते हैं। हाईकोर्ट को सब देखना चाहिए, और मुझे जानने मिला है कि अगर बॉम्बे में भी या महाराष्ट्र में और जगह भी हाईकोर्ट चालू हो गई है और फिजिकल कोर्ट चालू है, तो यहाँ भी कोर्ट चालू होना ही चाहिए। बार काउंसिल ने बार बार रजूआत की है और परसों ही हमें ऐसा आश्वासन मिला है कि कोर्ट चालू हो जाएगी। नहीं, मगर मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से ही सुना है कि 12 तारीख को अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर कोर्ट चालू नहीं होगी तो लोग धरना प्रदर्शन या विरोध का कार्यक्रम रखेंगे। दूसरा कि ये जो कोर्ट है गुजरात की सबसे बड़ी कोर्ट है, तो आपने किस तरीके से हाई कोर्ट में या कई जगह पर बात की? देखो, हमारे एसोसिएशन ने बार बार, यानी गुजरात का सबसे बड़ा एसोसिएशन जहाँ तक 6000 लोग प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स, उन लोगों ने बार बार, मेरे समझ में है, मैं यहाँ आता हूँ हर रोज़, तो 4 बार बार काउंसिल को भी रिप्रेजेंट किया है और हाईकोर्ट को भी रिप्रेजेंट किया है। बार काउंसिल ने एक बार वर्चुअल मीटिंग भी की थी, 2 दिन पहले ही जस्टिस से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कोर्ट चालू हो जाएगी। क्या लॉजिक लगता है नहीं करने का? नहीं, मुझे लगता है कोर्ट चालू हो जाएगी, मगर उनको ऐसा है कि भी हम कोर्ट चालू करते हैं तो कहीं कोरोना आ जाता है और हमारा जस्टिस नहीं, कोरोना तो जैसा चला ही गया है, समझ लोगे कि 95% गुजरात के अंदर अभी केस है ही नहीं, रिकवरी भी हो गई है। अभी जो समझ लो कि अब मास्क के जो बातें चल रही है, और कहीं पर भी ऑफिस में जाके भी मास्क के लिए तो पुलिस पैसा वसूल करती है, कहीं दुकानों में भी जाके मास्क पहन के वसूल करती है, ये क्या सब है? देखो, ये सरकार की बात है, नहीं, सरकार मैं की बात नहीं, बात कर रहा हूं, जब मैं कोरोना, जब मैं बात कर रहा हूं, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोरोना की असर कम हो गई है, एक बाजू वैक्सीन भी आ गई है, तो फिर कोर्ट चालू नहीं हो रही है, क्योंकि उनका कहना तो यही है कि कोरोना फैला रहा है। नहीं नहीं, कोरोना कोर्ट के वजह ही फैला रहा है ऐसा तो नहीं है, मगर आज आपकी बात से मैं सहमत इसीलिए हूँ कि 200 लोग की परमिशन मिल गई, इलेक्शन की परमिशन हो गई है, ये सब जो हो रहा है, एक महीने पहले तो बिहार में भी इलेक्शन हो गया। हाई कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि अभी जो वकीलों की दिक्कत है, और सबसे ज़्यादा एडवोकेट, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो कोर्ट इसमें से जो 70,000 कोर्ट की संख्या है, उसमें 15,000 लोग तो अहमदाबाद और 4 महानगरों की कोर्ट बनते, सबसे तकलीफ ये 4 महानगरों के एडवोकेट को ही है। सब एडवोकेट तो ठीक है, मगर आपके साथ जो जुड़े हुए लोग भी है, जैसे आपके अंडर में कोई काम करते होंगे या कोई क्लार्क भी होगा, उनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आएगा तो उनके पास भी पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने सब अभी जो सुबह जो मैं कोर्ट में गया था सिटी सिविल में, वहाँ भी ऐसा सुना हुआ है। देखो, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अहमदाबाद से करीबन 23 किलोमीटर दूर गांधीनगर कोर्ट है, वो फुल फ्लेंज चालू हो गई है। तो हमारा हाईकोर्ट से यही कहना है कि जब सब कोर्ट चालू हो गई है तो आप तुरंत हमारी कोर्ट चालू कीजिए, इसके लिए हम बार काउंसिल का बोर्ड भी बिठा रहे हैं, और जल्द से जल्द हाईकोर्ट अगर हमारा ये जो प्रस्ताव है स्वीकार नहीं करती तो फर्दर क्या करना चाहिए वकीलों के हित में। देखो, आज हमारी मातृसंस्था बार काउंसिल वकीलों के हित के लिए बैठी है, तो अब ये जो टाइम बारिंग हो गया है तो हमें वकीलों के हित के लिए कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, ये मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे, वकील मित्रों, आज तक हम पर भरोसा रखा है, भरोसा रखो, तुरंत कोर्ट चालू हो जाएंगे, इसके लिए हम हो सके इतने प्रयत्न बार काउंसिल करेंगे, हम आश्वासन देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सर, आपका परिचय दीजिए। हूँ अतीश एस कंसारा, एडवोकेट मेट्रो को 12 मेंबर छू, અને હું જણાવું છું કે જે કોર્ટો બની છે છેલ્લા 10 મહિના ઉપરાંતના સમયથી, એમાં ઘણા ચેક રિટર્નના જે વેપારીઓ છે તે લોકોને ઘણી તકલીફ પડે છે, જે લોકો સ્ત્રીઓ છે જ્યારે ભરણ પોષણનો હુકમ થયેલો છે તેના પૈસા બી કોર્ટોમાં ભરાતા નથી, તેમને પણ જીવવા માટે તકલીફ પડે છે, તેવી જ રીતે અમુક આરોપીઓ છે કે જે નજીવા ગુનામાં જેલમાં છે એમાં કેસો ચાલતા નથી, અમુક તેવા કારણસર બી એ લોકોને અસર કરે છે, અને જે નાના એડવોકેટશ્રી છે અને અમુક કોર્ટો ચાલતી ન હોવાથી એ લોકોનું ભરણ પોષણ અને ઘર ચલાવવું ઘણું મુશ્કેલ હોય, જો કોર્ટ તાત્કાલિક ચાલુ થાય તો જ અમુક વકીલશ્રીઓને તથા અમુક પક્ષકારોને ન્યાય મળે તેમ છે અને ન્યાય ઝડપી મળે તેમ છે, તો જેથી વિનંતી છે હાઈકોર્ટને અને જે તે યોગ્ય સંસ્થાને કે તેઓ ઝડપી કોર્ટ ચાલુ કરવાનો ઓર્ડર કરે, અને આ કેમ કોર્ટો બંધ રાખે છે તેનો હજુ સુધી મને કોઈ સમજાતું ન હોય, તેથી વિનંતી છે કે ઝડપી ચાલુ સાહેબ. બીજો એક સવાલ પૂછું,
કે ફિઝિકલ કોર્ટ અને ઓનલાઈન કોર્ટ જે અભી ચાલે છે તો એ બંનેમાં તફાવત શું છે અને તમને શું તકલીફ પડે છે કે તમે ફિઝિકલની રજૂઆત કરો છો? ફિઝિકલ કોર્ટમાં એવું છે કે અમુક પક્ષકારો હાજર રહી અને તે જોઈ શકે કે કેસ કઈ રીતના ચલાવે છે. જ્યારે ઓનલાઈનમાં તો અમે ને સાહેબ બે ડિસ્કસ કરીને એ કેસ, અને એ ફક્ત ને ફક્ત યુટીપી એટલે જે લોકો જેલમાં ગયા છે એવા કેસો જ વધારે ચાલે છે ઓનલાઈનમાં, જ્યારે બીજા કોઈને અમે ન્યાય અપાઈ શકતા નથી. એટલે જો ઓનલાઈન સિવાય પણ અમુક ફિઝિકલ બધી જ જગ્યા ચાલુ થઈ ગઈ હોય, અલગ નાની નાની કોર્ટો ચાલતો, આ કોર્ટો ઝડપી ચાલુ કરે તો લોકોને ન્યાય જળવાય. અમારા હિસાબે એવું કહી શકાય કે કોર્ટોમાં કેસોનો ભરાવો બી થઈ ગયો છે. હા, કેસોનો તો ઘણો જ ભરાવો થઈ ગયો છે, પણ એને આઈ ચાલુ કરવામાં આવે તો ઝડપી લોકોને ન્યાય મળી શકે તેમ છે. હા સાહેબ, તમને તમારો પરિચય આપો. દિનેશ ગોસ્વામી, એડવોકેટ, મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં છેલ્લા 27 વર્ષથી વકીલ કરું છું. સાહેબ, શું લાગે છે કે કોર્ટો ચાલુ નહીં થવા પાછળનો લોજિક? કોરોના સંપૂર્ણપણે ગયો નથી, પરંતુ કોરોના અત્યારે છે એ હાલત જોતા તમામ પ્રકારના સંસ્થાઓ ચાલુ. કોરોના તો અત્યારે તમને કહી દઉં કે સરકારી આંકડા મુજબ નહીવત થઈ ગયું છે. બીજું કે બિહાર જેવા રાજ્યમાં ઇલેક્શન પણ થઈ ગયું, અહીંયા પણ ઇલેક્શન ડિક્લેર થઈ ગયું છે, નેતાઓ રેલી તો 2 મહિનાથી કાઢી રહ્યા છે, ત્યાં કોરોના નથી લાગતો, તો ફક્ત ને ફક્ત કોર્ટમાં જ શા માટે? રાજકીય લાભ માટે થઈ, અને અત્યારે રાજકીય પક્ષો સરકાર જે કંઈ નિર્ણય લઈ રહી છે એમના લાભને હિતમાં લઈ રહી છે, એમની જરૂરિયાત મુજબ જ એ સ્ટેપ લઈ રહી છે. જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં એ છૂટ આપે છે, જ્યાં જરૂરિયાત પૂરી થાય ત્યાં એ પ્રતિબંધ આપે છે. એટલે તમામ પ્રકારની જે સંસ્થાઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે સિવાય કે કોર્ટ, સ્કૂલો ચાલુ થઈ ગઈ છે, શાક માર્કેટ તમે જો ઉભરાય, બજારમાં ટ્રાફિક સતત જામ હોય, તો આવી માનો લોકડાઉન ચાલુ હતું ત્યારે પણ ટ્રાફિક જ રહેતો હતો. તમે સોળાશાહી ટોળા જ્યાં ઉભરાઈ રહ્યા છે ત્યાં નથી દેખાતો, તો ન્યાય મોડો મળવો એ ના મળવા બરાબર છે. તો છેલ્લા 11 માસથી જે લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે ન્યાયની, કેટલા પક્ષકારો સ્થળાંતર કરીને જતા રહ્યા છે, કેટલા લોકો ગુજરી ગયા છે, કેટલાનું અટકી પડેલા કામો છે, મેન્ટેનન્સના ઠીક છે, એની સાથે સાથે ચેક રિટર્નના જેના લિમિટ બાંધેલી છે એવા લિમિટવાળા કેસો પણ નથી ચાલુ થતા. અને ઓનલાઈન જે હિયરિંગ થઈ રહ્યું છે, તો ઓનલાઈન હિયરિંગમાં લિંક તૂટી જાય, અને લિંક તૂટી જાય એટલે તમારી જે રજૂઆત કરવાની છે તમે નથી કરી શકતા, ના કોર્ટ તમે સમજાવી શકો છો. આપણી કેન્દ્ર સરકાર તો એવું કહે છે કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા બનાવવા જઈ રહ્યા છે, તો ડિજિટલ ઇન્ડિયાની પૂરી સગવડ ઊભી થાય ત્યારે તૈયાર છે. આ શરૂઆતનું પ્રથમ સ્ટેપ થઈ રહ્યું છે ત્યારે, કે જે લિંક નથી પકડાતી, ચાલુ લિંકમાં તમારે જે રજૂઆત કરવી છે નથી કરી શકતા, તમારા ડોક્યુમેન્ટ કોર્ટને નામદાર કોર્ટને બતાવવા હોય તો તમે નથી બતાવી શકતા, નથી વંચાવી શકતા. તો આવા પ્રોબ્લેમ જે ઊભા થાય એના કારણે પૂરતો ન્યાય નથી મળી શકતો કે અમે એની રજૂઆત નથી કરી શકતા. અચ્છા, તમારા જે અરજદારો છે કે તોમતદારો છે તમારી પાસે આવે છે ખરા? અર્જન્ટ કામ માટે ચાલુ છે, બાકી તમામ પ્રકારના કામો બંધ છે, જેના કારણે થઈ અને વકીલોની હાલત કફોડી છે. ક્લાયન્ટ આવતા નથી, ફી આવતી નથી, અને લોકો મન ફાવે રીતે અત્યારે વકીલો બીજા ધંધે વળી રહ્યા છે, એટલે એક ન્યાયની પ્રક્રિયાને મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પણ જે એ બાબતમાં આપણે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી હતી, ચીફ જસ્ટિસે જે કીધું કે ભાઈ એ બાબતમાં અમે અત્યારે કંઈ પણ ના કરી શકીએ, સુપ્રીમનો જે ઓર્ડર છે 31 માર્ચ સુધીનો, ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ નિર્ણય લેવા નથી, તો તમે શું કહેવા માંગો છો? મારું એવું કહેવું છે કે જો દરેક જગ્યાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન થતું હોય તો કોર્ટમાં પણ એવી રીતના નિયમોનું પાલન કરાવવું જોઈએ, એવા ડિસ્ટન્સ માટેના નિયમો ઘડવા જોઈએ, અને એ રીતે ફિઝિકલ કોર્ટ ચાલુ કરવી જોઈએ. એ નિયમના પાલન કરવા માટે અમે બંધાયેલા છીએ. આ તો એવું લાગે કે તમે લોકો સુપર સ્પ્રેડર છો. મારું એ જ કેવું છે કે કોર્ટમાંથી જાણે કોરોના ઉત્પન્ન થતો હોય એવી પરિસ્થિતિ હાલમાં થઈ રહી છે. તમામ પ્રકારની સંસ્થાઓ ચાલુ છે, માત્ર કોર્ટો બંધ છે, અને કોર્ટ પણ અહીંયા મહાનગર પૂરતી, બીજી બધી જ કોર્ટો તમામ ચાલુ છે. એટલે અહીંયા સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જો કદાચ કોરોના ફેલાતું એવું લાગતું હોય તો એવા સંજોગોમાં નામદાર કોર્ટના લિમિટેશનવાળા જે બોર્ડ બનાવે, દરરોજ માટેના 10-20-25 કેસનો નક્કી કરે, અર્જન્સી જેની છે એની અરજીઓ લેવામાં આવે, અને એની અર્જન્સીના આધારે ફિઝિકલ કોર્ટમાં એને બોર્ડ બનાવવામાં આવે, તો નીતિ નિયમોના પાલન માટે અમે તૈયાર છીએ. શું તમને કંઈ મેસેજ આપવા માંગો છો સરકારને? બસ બને ત્યાં સુધી જલ્દીથી નીતિ નિયમો ઘડી અને એનું પાલન કરાવી કોર્ટો ચાલુ થવી જોઈએ, નહીંતર આંદોલનના માર્ગે વકીલો જોઈ રહ્યા છે. વિરોધ ત્યારે થાય કે જ્યારે તમારા વચનનું કોઈ પાલન ના થાય. અત્યારે જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કહી રહ્યા હતા કે હમણાં ચાલુ થશે કોર્ટ, જાન્યુઆરીમાં થશે, ફેબ્રુઆરીમાં, અને આવા વાયદાઓથી હવે વકીલો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે, એટલે હવે આંદોલનના માર્ગે જશે. સાહેબ, તમને સવાલ પૂછું છું કે આઝાદી અપાવવા માટે
મેક્સિમમ લોકો એડવોકેટો વકીલો કે આઝાદી માટે લડત લડેલી, શું તમે તમારા પ્રશ્નો માટે લડત નથી લડતા? અમારી લડત ચાલુ જ છે, પરંતુ કારણ કે કોઈ જગ્યાએ દેખાતું નથી. મારું એવું કહેવું છે કે જ્યાં વકીલો પોતાના માટે નહીં લડી શકે, બીજાના માટે શું લડવાના છે? એટલે આ સંઘર્ષ વકીલોનો પોતાનો છે ને, પોતાએ લડવું પડશે. ફિઝિકલ કોર્ટ ચાલુ કરવા માટે અમને સંઘર્ષ કરવો પડશે. સાહેબ તમે શું કહેશો? અમે અમારો સંઘર્ષ હવે જો થોડો ટાઈમ આપ્યો છે એ ટાઈમમાં ચાલુ નહીં કરે તો અમારી માતૃસંસ્થા જે કહેશે એ રીતના સંઘર્ષમાં અમે જોડાઈશું. ઓકે, ધન્યવાદ.